दुनिया के कई कोनों में ऐसे आदिवासी प्रजातियां रहती हैं जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन्हें लेकर इनका पूरा अधिकार होता है और वहां की स्थानीय सरकारें भी इन अधिकारों में दखल नहीं देती हैं। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक भी होती है। इन्हीं में से एक इथोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति है। इस प्रजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी होता है। मुर्सी समुदाय की कुल आबादी करीब 10,000 है। दुनिया में मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा तो खुद मर जाना है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं, जो इनकी इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चले आते हैं। इस समुदाय की इस हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब कभी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथोपिया में आकर मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो इथोपिया की सरकार उसे इथोपिया आर्म गार्ड की सुरक्षा घेरे में लेकर जनजाति क्षेत्र का दौरा करवाती है ताकि उन पर हमला न कर पाए। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत मानी जाती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज है। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30-40 गाय देकर खरीदा जाता है। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी मुल्कों से होती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ राइफल और राइफल की गोलियों की बेल्ट लगाए रखते हैं और थोड़ा सा खतरा महसूस होने पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नजर से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की आयु की हो जाने के बाद लड़कियों की माँ कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहना देती है। फिर कुछ महीनों के बाद 12 सेंटीमीटर की डिस्क फंसा देती है, जो कि पूरी जिंदगी उनके होंठों में लगी रहती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वहीं औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नजर से बचाने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना देती हैं। प्लेट के कारण इनके होंठ काफी लटक जाते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती है। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू की गई इस तरीके को अपनी परंपरा बना चुकी है। विवाह के बाद ये महिलाएं अपने गले में पट्टा बांध लेती हैं। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में अपने समुदाय के साथ रहती हैं और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली भी करती है। ये बाहरी लोगों को अपनी सीमाओं में आने से निर्मम तरीके से रोकती भी हैं। लड़की से शादी करने के लिए दूल्हे का परिवार दहेज के तौर पर दुल्हन के पिता को भुगतान करता है। आमतौर पर 20-40 गाय और एक राइफल को लड़की के पिता को उपहार स्वरूप गिफ्ट किया जाता है। ये परंपरा सभी ओमो जनजातियों की विशेषता है। यही कारण है कि जनजात लड़कियों को यहाँ परिवार की भलाई की एक अच्छी गारंटी माना जाता है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन भी करते हैं, जिसमें युवा जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले युवा प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करता है, उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है और उसके साथ ही लड़की की शादी होती है। तो ये तमाम विशेषता है मुर्सी जनजाति की।